हो जाओ आ गया। नहीं खाना मैं खा लूँ। ब्लॉग बनवा रहे हो? ओहो चलो बस शुरू करो और क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मेरे अच्छी बात है। बादशाह शशके को जमाने कि आपका भाई यानी मैं 4-5 हफ्ते से खाए हूँ, 1 महीना हो गया तकरीबन, कोई ब्लॉग नहीं आ रहा, कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई रिव्यू नहीं आ रहा, मतलब कोई इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी अपडेट नहीं आ रही। मतलब वहाँ पे तो मैं बता ही देता हूँ, अगर फॉलो नहीं करते तो फॉलो करते। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग ये नहीं समझेगा कि तबीयत वबीयत ख़राब हो गई थी या कुछ हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं असल में एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ और उसके ऊपर पूरा मेरा ध्यान है और उसको मतलब मुझे सक्सेसफुल बनाना है। अभी मैं आपको वो चीज़ बता नहीं सकता क्योंकि वो चीज़ अभी सक्सेसफुल नहीं हो रही, मैं बार बार उसमें फेल हुआ जा। तो इंशाल्लाह इरादा करा हुआ है मैंने एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने का, तो उसी के उस पर मैं बस मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और कोशिशें कर जा रहा हूँ और अभी तक तो मैं फेल होते जा रहा हूँ, कोई अभी तक कोई सक्सेस नज़र नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। 3-4 हफ्ते ऐसी ज़ाया नहीं कर रहा मैं, मतलब कुछ ना कुछ तो करना है। तो इसलिए 3-4 हफ्ते से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रहा ना कोई वीडियो बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत कम एक्टिव था, लेकिन आज मैंने सोचा है कि आज बना लेते हैं और आपसे थोड़ा इंटरेक्ट हो जाते हैं, थोड़ी बातचीत बातचीत हो जाती है ना, तो एक वीडियो आ जाती है तो खुशी हो जाती है, मतलब एक इंटरेक्शन बन जाता है इस तरह से। वैसे इन 3-4 हफ्तों में बहुत कुछ हो गया, अगर आप लोगों को पता हो, स्नाइडर कट आ गई है, फैल्कन विंटर सोल्जर का ड्रामा शुरू हो गया है, वंडर विजन ख़त्म हो गया है, वंडर विजन ख़त्म हो गया लेकिन फैल्कन और विंटर सोल्जर का ड्रामा शुरू हुआ है। और अभी तक अगर तुम लोगों ने स्नाइडर कट नहीं देखी तो यार क्या कर रहे हो, जाओ जाके देखो। और गर्मी बहुत हो गई है तो अब बैठे बैठे बात भी नहीं होती तो थोड़ा बाहर आ जाते हैं। हाँ यहाँ सही है भाई, गर्मी बहुत हो गई थी क्योंकि पंखा बंद करके तुम्हें पता रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है मुझे। स्नाइडर कट, अगर बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि स्नाइडर कट क्या है, तो भाई स्नाइडर कट मूवी का नाम नहीं है, जैक स्नाइडर एक डायरेक्टर का नाम है। तो उसने अपने ऊपर स्नाइडर कट के नाम से एक जस्टिस लीग बनाई क्योंकि वो पहले जस्टिस लीग का डायरेक्टर था। मतलब जो असल जस्टिस लीग थी ना जो 2017 में आई थी वो असल जस्टिस लीग नहीं है, जो अभी आई है वो असल जस्टिस लीग है। तो ये एक स्नाइडर कट है और उसने ये अपने नाम पर स्नाइडर कट जस्टिस लीग के नाम से रखी है। तो अभी 5 बज रहे हैं, थोड़ा मुँह हाथ वगैरह धो लेते हैं क्योंकि असल में आज संडे था, संडे को मेरा कोचिंग होता है सुबह, तो मैं अभी सो के उठाऊँ तो थोड़ा नहा वहा के तैयार होते हैं। आज आ रहा है हमारा जानी अम्मान, तो मैंने कहा चलो कहीं बार बार का सीन वीन बनाते हैं और फिर तुम्हारे साथ ब्लॉग बनाएंगे तो और ज़बरदस्त बनेगा, तो सही हो जाते हैं जब तक अम्मान वगैरह भी आ जाते हैं और नहा धो के आपसे। हाँ तो भाई आ गए हैं अम्मान साहब। और अम्मान जल्दी आगे बढ़े, अभी बस नहा कर ही निकला था मैं। फिर कहाँ चल रहा है? लॉकडाउन वाले साथी, असल में ये ना शिफ्ट हो गया, मतलब हम लोग एक साथ साथ रहते थे तो पूरा रमज़ान साथ गुजारा है, अब ये शिफ्ट हो गया तो बड़े टाइम बाद आई है। जब मैंने तकरीबन हम लोग कहाँ गए थे, SM फूड इन जब गए थे हम, हाँ तो तब तब वो आए थे और अब आ रहे हो तुम, तो मतलब इससे मिला भी 1-1.5 महीना हो गया इससे मिले, तो बनता है सीन तो बनता है ना फिर, है चल रहा चलो भाई। हाँ भाई क्या मंगवा रहे हो फिर? बहुत महंगाई हो गई कराची में, अबे पागल अच्छी हुई चीज़ है मंगवा लो, फिर भूख लग रही है जल्दी मंगवा लो। पैसे आप देंगे? हाँ वो मसला नहीं है, मंगवाते हैं, मंगवाओ जल्दी मंगवाओ, भूख लग रही है, टाइम हो गया, क्या टाइम हो रहा है? 6:30 हो रहे हैं, जल्दी मंगवा लो। तो पार्टी हो गई है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं वो, देखें आप पीछे नज़र आ रहा होगा तो वहाँ पर हो रही बर्थडे पार्टी, तो वहाँ पे फिर क्या आवाज़ें आ रही ऐसे ऐसे मैंने ऑर्डर दे दिया तो ऑर्डर आया था, खा पी के फिर बड़े बड़े टाइम बाद आए, ये बड़े लोग हैं बहुत टाइम बाद आए। ट्रीट है भाई, कौन सी मेरी ट्रीट है, छोड़ेंगे आप? मेरी मेरी ट्रीट नहीं है, बस कर जाओ। अब बता रहे वैसे अच्छा लग रहा है, पसंद महंगाई बहुत हो गई है यार, मुल्क में महंगाई बहुत हो गई। तो मैं कौन सा मुल्क चलाना है? सर मैं अमान हो गया, मैंने आपको बताया था ये शिफ्ट हो गया, पहले हम लोग साथ रहते थे तो पूरा रमज़ान मेरा ना साथ इसके साथ गुजरता था, अफ्तारी के बाद जो हम मिलते थे फिर दो तरावी से लेके टूर्नामेंट से लेके नाइट स्टे से लेके सहरी तक साथ होते थे, फिर असर के बाद जो मिलते थे असर की नमाज़ पढ़ने आते थे फिर सारे साथ हो जाते थे। अभी दुआ भी हो गया, अलग लोग आ जाए। हाँ अभी फार्म का सीन हो रहा है, तो फार्म का सीन हो रहा है तो फिर आपको पता है, आपको पता है अली भाई एडमिन हमारे और हम भी इनके साथ ज़रा लग गया। देखो अभी अभी तो मेरा एक ड्रीम वर्ल्ड का सीन हो रहा है तो वो भी है और एक फार्म का सीन है, तो दोनों में से एक एक तो पक्का है, तो फिर देखो अगर हुआ तो ब्लॉग वगैरह आएगा, बनाएंगे VIP किस्म का और अमान चलेगा इंशाल्लाह।
दिखा गाना पार्टी हो रही है बर्थडे पार्टी पार्टी हो रही है नहीं खाना मैं खा लूँ ब्लॉग बनवा रहे हो ओहो चलो बस शुरू करो और क्या स्टार्ट करो ओहो चेक करें बर्गर चेक सीन चेक करें इसी के दो पैसे हैं हाँ चल तो कह रहा था अभी बंद कर दूँ बस हाँ भाई तो आ गया हूँ मैं और टाइम हो रहा है अपना 9 बज रहे हैं और अब आ गया हूँ मैं घर तसल्ली से बहुत घूम लिया आज बहुत फिर लिया आज थकान जो हो रही ना बड़ी VIP किस्म की हो रही है। असल में संडे को क्या होता है कि अपनी क्लास होती है सुबह तो वो क्लास लेने के बाद एक तो रात में मैं सोया नहीं क्लास लेने ऐसी चली गया मतलब 2-3 घंटे सो गए और फिर उस वक्त से जाग रहा हूँ और अभी तक क्योंकि अमान आ गया था जल्दी 3-4 बजे तक तो सोना हुआ नहीं है वरना संडे को ऐसा होता है कि मैं जब क्लास लेकर आ जाऊँ तो मैं ऐसा सोता हूँ कि असर के बाद उठता हूँ फिर मगरिब में फिर सो जाता हूँ मतलब फिर मगरिब के अजान पर उठता हूँ ये सी है क्योंकि पूरी रात तो पता है आपको जागना पड़ता है हमें क्या करें आदत पड़ गई है। तो बस आजकल कुछ ज़्यादा मसरूफ़ आदमी है जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो वो सारी मसरूफियात वही है बस अभी भी यही करूँगा मैं ये ब्लॉग बंद करूँगा एडिट करूँगा अपलोड करूँगा और फिर दोबारा उसी काम में लग जाऊँगा जो मैं 3-4 हफ्ते से कर रहा हूँ क्या करें यार बस बहुत हेक्टिक वो काम हो गया है हो के नहीं दे रहा ना असल में कोई रिजल्ट आ जाए बंदा मतलब मुतासर हो जाता है लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा फेलियर हो जा रहा है हर चीज़ फेल होती जा रही है तो बस नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ और बहुत अपनी उम्मीदें मैंने उससे लगाई हैं कि इंशाल्लाह ये कॉन्टेंट रिलीज़ करना ही करना तो आप लोग भी दुआ करें इंशाल्लाह हो जाए मैं अभी तफसील से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि कुछ पता नहीं है और अगर नहीं हो पाया बिल्कुल अल्लाह ना करे वैसे तो इंशाल्लाह हो जाएगा लेकिन अगर नहीं हो पाया तो फिर एक वो हो जाएगी ना आप लोग पूछेंगे वो फलाना आपने कहा था आएगा वो अभी तक आया नहीं तो आपने कहा था ये वो तो ऐसा मतलब मज़ा नहीं आया तो इंशाल्लाह जब हो जाएगा पूरा पक्का डन हो जाएगा सीन एक हफ्ते पहले हम आपको बता देंगे वरना इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करें वहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं मतलब यूट्यूब से पहले वहाँ पे खबर पहुँच जाती है कि क्या सीन है ठीक है भाई तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में ख्याल रखिएगा अगले विलाग में ख्याल रखिएगा अपना शाबाश।